ये वीडियो एंटी मुस्लिम है, ये वीडियो एंटी हिंदू है, ये वीडियो एंटी गवर्नमेंट भी है, एंटी बीजेपी भी है और एंटी कांग्रेसी भी है, और शायद ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड भी है। तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कतई पसंद नहीं आएगी और आप नीचे गंदे गंदे कमेंट ज़रूर मेरे लिए छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन अगर आप में सुनने की हिम्मत है और गुर्दा है तो इस वीडियो को पूरा सुने और फिर मुझे बताएं कि क्या मेरा अनबायस्ड ओपिनियन कहीं गलत है या कहीं सही है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आपको एक छोटा सा वाक्य ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो रात के 2 बजे शूट की जा रही है और सिर्फ इसलिए शूट की जा रही है कि इस सवाल ने मेरी नींद उड़ा रखी है। और यह सवाल यह है कि कल क्या मेरे शहर में भी इंटरनेट बंद हो जाएगा, क्या कल मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। NRCCA बहुत छोटा मुद्दा था, इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया है। आज मैं सवाल दोनों पक्षों से पूछना चाहूंगा, उस पक्ष से भी पूछना चाहूंगा जो CAA को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पक्ष से भी पूछना चाहूंगा जो CAA का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस हर पक्ष से पूछना चाहूंगा उस पक्ष का सवाल जो पक्ष शांत बैठा है, न्यूट्रल बैठा है, जिसके मन में विचार आते हैं कभी कि CAA सही है, कभी उसके विचार आते हैं कि CAA गलत है। वो मीडिया फुटेज, वो आपके कमेंट्स को सुनकर ये धारणा बनाता है कि CAA सही है या गलत है, जिसे आप कभी कैब कह लेते हैं, कभी CAA कह लेते हैं, नाम बदलने से चीजें नहीं बदलने वाली है। यहां पर जब मैं बात करता हूं यूनिवर्सिटी की तो मुझे दुख होता है कि छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक लाइब्रेरी तक में वहां पर छात्रों पर हमले किए गए, लेकिन जब मैं बात करता हूं प्रोटेस्ट की, जब छात्रों द्वारा पथराव किया गया, पुलिस वालों को पीटा गया, ये ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं तो मेरा दिल दहलता है कि छात्र किस लहर पर दौड़ पड़े हैं या किस जगह जा रहे हैं। मुझे गुस्सा तब भी आता है जब पुलिस छात्रों को पीटती है और मुझे गुस्सा तब भी आता है जब पुलिस पर पथराव होता है। क्या हम अपने देश के जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस भीमराव अम्बेडकर जी के पोस्टर को लगाकर हम छाती पर लगाकर कहते हैं कि संविधान बचा नहीं है, क्या आप उस संविधान की पूजा कर रहे हैं? क्या आप उस संविधान के लायक काम कर रहे हैं? क्या आप उस संविधान के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का आप नाम लेकर उसकी आड़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगाते हैं, क्या उसका आप ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं होता कि आपके मन में जो भी आए कह दें। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, आप उसका दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? मैं मानता हूं आपकी बातें, आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि सरकार ने जो भी किया है वो लीगली करेक्ट है, और एज अ लॉ स्टूडेंट मैं भी कहूंगा कि CAA का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो लीगली करेक्ट है, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी ही चीजें थी जो लीगली करेक्ट थी। सबरीमाला में वीमेंस की एंट्री जब होने लगी थी, नहीं होती थी तो भी लीगली इनकरेक्ट था, वो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ जाता था। जब यहां पर हम पुराना वाक्य उठाकर देखते हैं, ट्रिपल तलाक का मामला आता है, वो भी एक तरह से देखा जाए तो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल था, उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव किया गया। जरूरी नहीं है हर एक चीज जो लीगल राइट है लीगली राइट हो, वो मोरली भी राइट हो, लेकिन सवाल यहां पर यह है क्या जो तरीके अपनाए गए वो सही है, क्या जो तरीके पुलिस के द्वारा अपनाए गए वो सही है। जब हम देखते हैं इस पूरे वाक्य को तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि दोनों पक्ष लड़ रहे हैं और नुकसान हमारे देश का हो रहा है। आज मैं एक आम आदमी जो इस मुद्दे पर कतई न्यूट्रल हूं, वो अपने घर से बाहर निकलने से पहले 4 बार सोचता है कि क्या आज मैं सेफ आऊंगा या सेफ जाऊंगा, क्या आज मेट्रो के गेट बंद नहीं होंगे, क्या आज मेट्रो मुझे राजीव चौक पर उतारेगी कि या नहीं उतारेगी, या फिर मेट्रो भी कह देगी कि राजीव चौक हमने कुछ कारणों से बंद कर रखा है या ये स्टेशन हमने कुछ कारणों से बंद कर रखा है। कब तक ये आम जनता इस चीज को सहती रहेगी? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या आपने जो इंटरनेट बैन लगाया प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, क्या वो सही है? मैं पूछना चाहता हूं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे, जो पथराव किया गया, क्या वो सही है? मानता हूं प्रोटेस्ट करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये जो शर्मनाक नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या किसी एक धर्म को टारगेट करना सही है? क्या यहां पर जो सवाल उठाया जा रहा है वो सही है? और कितने ही लोग हैं प्रोटेस्ट करने वाले जिन्होंने उस चीज के बारे में पढ़ा है, और कितने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने इस चीज के बारे में पढ़ा है? क्या किसी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है 2019 में जो इम्प्लीमेंटेशन की है, क्या वो पढ़ी है? और अगर पढ़ी है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि कौन से सेक्शन में, कौन से सब क्लॉज में चेंजेस आए हैं, कहां कहां पे वो चेंजेस अफेक्ट होंगे,
और मेरे एक सिंपल से आंसर का आप जवाब देना। मैं मानता हूँ कमेंट में आप लाखों लोग जवाब दे दोगे, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, आप अपने मन में सोचिएगा CAA कहाँ पर नहीं लगाया गया है, कौन कौन से स्टेट्स को इनसे दूर रखा गया है, क्या आप उनके नाम याद कर पा रहे हैं? अगर आपको मुद्दे के बारे में ही नहीं पता तो आप उसके बारे में प्रोटेस्ट क्या करेंगे और उसके बारे में आप जो चीज़ है वो क्या लेंगे? मानता हूँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ संवेदना है, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई की है, हक के लिए लड़ना भी चाहिए, जो आपका हक है वो आपको मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है आपका हक क्या है? क्या आपको पता है आपका हक छीना जा रहा है या नहीं छीना जा रहा है? जब इतने ज्यादा चीजें आ रही हैं आपके सामने, तो क्या आप डिसाइड कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है? हो सकता है आपने सही रास्ता चुना हो सकता है मैं गलत हूं। मैं आपका कमेंट में खुलकर सामना करने के लिए तैयार हूं और उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसके ऊपर एक दो वीडियो आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाऊं। ये तो फिर भी थोड़ा सा एक रोश वीडियो है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊं। लेकिन आप मुझे बताइए, जो तरीका जो अपनाया गया है क्या वो सही है? मैं सरकार से भी ये पूछना चाहता हूं कि जो तरीका आपने अपनाया क्या वो सही है? क्या इंटरनेट बैन करना सही है? क्या लाठीचार्ज सही है? और उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा जो अहिंसा का नाम लेते हैं और हिंसा का चोला पहनकर घूम रहे हैं, क्या ये सही है? क्या बसों को जलाना सही है? क्या आम लोगों को तकलीफ पहुंचाना सही है? और जो कहेंगे इस वीडियो के बाद भी, शायद लोग कह दें कि आप ऐसी वीडियो बना रहे हैं, आम लोगों क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारे उसमें है, आम लोग अगर आप ऐसे ही कहेंगे न्यूट्रली रहेंगे तो देश के बारे में कौन सोचेगा? मैं ये कहना चाहता हूं, ये देश जो है वो 90% उन आम लोगों से चलता है जो ना लाठियां चला रहे हैं और जो ना लाठियां खा रहे हैं, उन लोगों से चलता है ये देश। हाँ, मानता हूं क्रांति लाने वाले वो ही हैं जो लाठियां खा रहे हैं या लाठियां मार रहे हैं, लेकिन उन आम लोगों के बारे में सोचिए और पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। आपसे एक यही गुजारिश है और सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लगे कि मांगे जेन्युइन है तो उन्हें पूरा करना चाहिए। देश के हित में जो भी कदम हो वो आप उठाइए, और ऐसे कदम जब हम देखते हैं तो हमें दुख होता है कि हमने ऐसी सरकार को चुना है जो आवाज से सामना करने के लिए नहीं बल्कि आवाज को दबाने की कोशिश करती है। और जो लोग कहेंगे कि यहाँ पर आवाज नहीं दबाई जा रही है, उनसे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप खुल के सरकार के बारे में क्या आज इस देश में कुछ खुल के बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? मेरे इस सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। आपके जो भी सवाल होंगे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर सेक्शन में आपको आंसर देना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और माफी चाहूंगा कि बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। आपको लगता है शायद बुरा भी लगा हो, शायद ये मेरी फीलिंग्स हैं जो मैंने आपको कन्वे कर दी, और शायद अब मैं रात को आराम से सो जाऊं क्योंकि ये चीजें जो है वो मेरे को कई दिनों से परेशान कर रही थी, इसीलिए मैंने एक वीडियो के फॉर्म में इसे दे दिया है। अब आपके ऊपर है, आप इसे सही डायरेक्शन में लेना चाहें तो सही डायरेक्शन में ले सकते हैं, गलत डायरेक्शन में लेना चाहें तो गलत डायरेक्शन में ले सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारत माता की जय, जय हिंद। यह देश मेरा भी है, यह देश आपका भी है, इसे बनाना और बचाना आपकी जिम्मेदारी है, तो कृपया उस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें, आपसे इतनी ही उम्मीद है। और सांप्रदायिकता के ऊपर ठेस ना पहुंचे, हमारा देश जैसा है वैसा चलता रहे। भारत माता की जय, जय हिंद।